बीजेपी ने आप सरकार की शराब नीति को लेकर के आज एक स्टिंग जारी किया। इसमें सीबीआई की एफआईआर में आरोपी नंबर 9 अमित अरोरा का वीडियो सामने आया। इसी के चलते पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि घोटाले का स्टिंग सामने आया है। इसमें घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोरा ने पूरी पोल खोल दी। किस किस से कितना पैसा लिया गया, किस प्रकार से घोटाले हुए, सारी चीजें उजागर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि पूरी शराब पॉलिसी घोटाले के लिए ही तैयार की गई थी। इस स्टिंग ऑपरेशन में इस घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा किसी व्यक्ति को इतना विस्तार बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से किस कंपनी को कितना पैसा लिया गया, एडवांस में पैसा लिया गया। और इतना ही नहीं है, इसमें सिर्फ पैसे लेने और देने का उल्लेख नहीं है, पूरी की पूरी पॉलिसी किस व्यवस्थित ढंग से बनाई गई कि चुनिंदा लोगों के हाथ में ही पैसा रहे और कैश का फ्लो भी उन्हीं के हाथ में रहे, वो चीजें देखकर निश्चित रूप से आप लोगों को भी बहुत दुखद आश्चर्य होगा। बीजेपी ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि खुद कमीशन तय करके आपने अपने लोगों को पहुंचाया फायदा। इस घपले के पैसे का इस्तेमाल पंजाब गोवा चुनाव में हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आप पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया। स्टिंग वीडियो सामने है तो अरविंद केजरीवाल कार्रवाई क्यों नहीं करते। इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि 5-5 करोड़ रुपए तक की फीस मिनिमम निर्धारित की गई। 5 करोड़ इसीलिए रखा गया कि छोटा मोटा प्लेयर आने ना पाए, जबकि यह पॉलिसी इस आधार पर बनाई जाती है कि छोटे छोटे व्यापारियों को भी काम करने का मौका मिले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार की सारी रस्में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार निभा रही है और अब वे कोई भी नियम कानून नहीं मान रहे। गुप्ता ने आरोप लगाया कि डायरेक्ट कैश कलेक्शन अरविंद केजरीवाल के काम में एक नया फॉर्मूला आया है। उन्होंने शराब के ठेकेदारों से डायरेक्ट कैश कलेक्शन किया। भी भ्रष्टाचारी करने के रास्ते हैं, दलाली है, वो सारे रस्म अरविंद केजरीवाल सरकार निभा रहे हैं और अब वो कोई भी नियम कानून नहीं मानते। नहीं मानेंगे नियम कानून, नहीं मानेंगे सीबीसी, अब तो हम चलेंगे डीसीसी, यानी डायरेक्ट कैश कलेक्शन अरविंद केजरीवाल की काम करने की पद्धति नियम में एक और बड़ा फार्मूला है डीसीसी। डायरेक्ट कैश कलेक्शन उन्होंने शराब के बड़े बड़े ठेकेदारों से लिया, होलसेलर से लिया और उनको बाद में व्हाइट में फायदा कराया। इससे पहले 5 सितंबर को भी बीजेपी ने दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी किया था, जिसमें कथित शराब घोटाले के एक आरोपी के पिता दावा करते दिख रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली में शराब का लाइसेंस हासिल करने के लिए कमीशन दिया था। टोटल न्यूज के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।